फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां शादी के दौरान ही दुल्हन को ले जाना पड़ा अस्पताल और हुआ स्वस्थ बच्चे का जन्म। भारत में कहां वैज्ञानिकों ने भैंस की पूंछ से पैदा कर दिए नन्हे कटड़ा कटड़ी और कहां खुदाई के दौरान मिले 1857 की क्रांति के हथियार। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर के साथ। एक घर में शादी के दौरान दुल्हन की हल्दी की रस्में चल रही थी। ठीक उसी वक्त दुल्हन को प्रसव पीड़ा हुई। उसके बाद शादी का कार्यक्रम रोककर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सुनने में ये कोई फिल्म या हिंदी टीवी सीरियल की कहानी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। दुल्हन ने बच्चे को जन्म दिया तो इससे कोई नाराज नहीं हुआ, बल्कि दूल्हा और दुल्हन के घर वाले खुशियां मना रहे हैं। इसके पीछे वजह है पेठू प्रथा की, जो आदिवासियों में काफी प्रचलित है। आदिवासी समाज में आज भी पेठू प्रथा का प्रचलन है, जिसमें लड़की अपने पसंद के लड़के के घर पहुंचती है और वहां रहने लगती है। घर वालों को भी इस पर किसी तरह का एतराज नहीं होता है और जब ठीक वक्त आता है तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है। दूसरी अनोखी खबर हरियाणा के करनाल से है। करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के क्षेत्र में नई इबारत लिखी है। पहली बार भैंस की पूंछ के दो टुकड़ों से क्लोन काल्फ पैदा किया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे देश में दूध का उत्पादन दोगुना होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। साल 2009 से अब तक NDRI करीब 11 क्लोन काफ पैदा कर चुका है, जिसमें 7 मेल काफ और 4 फीमेल काफ शामिल हैं। केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अहम स्थान है। भैंस का कुल दूध उत्पादन में लगभग 50% का योगदान है और ये किसानों की आजीविका में अहम भूमिका निभा रही है। क्लोनिंग किए गए पशुओं के सीमन से दूध उत्पादन दोगुना हो सकता है। तीसरी अनोखी खबर झारखंड से है। झारखंड के लोहरदगा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर बनाने के लिए नींव की खुदाई की गई तो जमीन से तीर धनुष गदा निकले। इनमें तीरों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई। इन हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल में इन्हें यहां पर छुपाया गया होगा। जैसे ही इस घटना की सूचना गाँव में फैली, मौके पर भारी संख्या में लोग इन हथियारों को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। टोली गांव में रहने वाला सुमंत टाना भगत नाम का शख्स घर बनाने के लिए JCB से नींव की खुदाई करा रहा था। इस दौरान उसे जमीन के अलग अलग हिस्सों से तीर धनुष गदा मिले। बताया जा रहा है कि शुरू में कुछ सामान कुछ समझ नहीं आया और गांव के लोग कुछ सामान उठा कर ले गए। जब ज्यादा संख्या में हथियार मिलने शुरू हुए तो घर के मालिक ने इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनमें करीब 2 दर्जन तीर हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी हसुए जैसा हथियार भी शामिल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।